पूरे देश के साथ साथ रीवा में भी याद किए गए भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। कांग्रेसियों ने मनाया उनका जन्म दिवस सद्भावना दिवस के रूप में। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को उनके जन्मदिन पर पूरे देश के साथ रीवा में भी याद किया गया। 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी इस दुनिया में आए थे। हम आपको बता दें, भारत देश को आधुनिक भारत बनाने में उनका एक बड़ा योगदान भी रहा है। कंप्यूटर युग की शुरुआत राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई थी। राजीव गांधी ने खुले मंच से इस बात को माना था, दिल्ली से चला एक रुपया अंतिम पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते 15 पैसे हो जाता है। वो मानते थे हमारी संस्कृति में विभिन्नता है, हमारे धर्म अलग अलग हैं, हम अनेक भाषाएं बोलते हैं, लेकिन हम सभी एक हैं, हम सब भारतीय हैं। ऐसे राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए रीवा के कांग्रेसी सिरमौर चौराहे पर उनके स्टेचू के पास एकत्र होकर उस पर माल्यार्पण करने के बाद अलग अलग जगह पर गोष्ठी कर राजीव गांधी को याद करते नजर आए। हमने उनसे सीखा है सच्चाई के रास्ते पे चलना, नौजवानों को आगे ले जाने का कार्य अगर इस देश के अंदर किसी ने किया है तो राजीव गांधी जी ने किया। 18 वर्ष की उम्र के वोट डालने का अधिकार राजीव गांधी जी ने दिया, तो हमको राजीव गांधी जी ने युवाओं को बहुत सारे अधिकार दिए, मार्गदर्शन दिया। इसी कारण आज हम सब लोग उनके मार्गदर्शन में चलने का संकल्प ले लेने की चाहिए। हमारे राजीव गांधी जी का उस महापुरुष का आज जन्मदिन है जिसने हिंदुस्तान को आधुनिक युग में कंप्यूटर युग में ले जाने का प्रयास किया था। हमारे उस महान नेता का आज जन्मदिन है। आज राजीव गांधी जी का याद करने का दिन है क्योंकि राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए बलिदान किया। जो भारतीय जनता पार्टी देश तोड़ने का काम कर रही है, देश को विखंडित करने का काम कर रही है, राजीव गांधी ने इस देश की एकता के लिए काम किया। राजीव गांधी जी बहुत ही अच्छे और बहुत ही काबिल आदमी थे। उन्हीं की देन है पूरे मध्य प्रदेश, पूरे इंडिया में जो वो कंप्यूटर और जो है लैपटॉप और जरूरत की मशीनें जो है इस देश में लाए, इस देश में जो ये सब चीज़ें आई हैं उससे जो है रोजगार बहुत बढ़ा है, और बहुत महान आदमी थे राजीव गांधी जी।